तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बंधन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से IMPS, NEFT और RTGS भी करना दिखाऊंगा और उसके अलावा मैं बंधन बैंक से ही दूसरे बंधन बैंक के अकाउंट में पैसे भेजना भी दिखाने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको RTGS करके दिखाऊंगा। RTGS का मतलब होता है कम से कम आप 2 लाख भेजेंगे RTGS होता है। अगर आपको 2 लाख या उससे ज्यादा पैसा भेजना है तो आपको ये अनिवार्य है कि आप 2 लाख रुपया भेजें। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं ये मेरा बंधन बैंक का एम बंधन ऐप है, इसी के माध्यम से मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं लेकिन मैं एम बंधन ऐप से कर रहा हूं क्योंकि आसानी होगा। अगर आपने अभी तक अपना एम बंधन ऐप रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक आई बटन में शो हो रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। देख करके सबसे पहले आप एम बंधन ऐप रजिस्टर कर लीजिए ताकि लॉग इन कर पाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा बंधन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा एम बंधन ऐप लॉगिन हो चुका है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है और मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना बैलेंस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरे पास पर्याप्त पैसा है मनी ट्रांसफर करने के लिए और RTGS यानी कि 2 लाख ट्रांसफर करने के लिए। तो चलिए होम पेज पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिशियरी जोड़ना बताऊंगा। तो आपको बेनिफिशियरी कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफर का ऑप्शन है टर्म डिपोजिट्स के नीचे ट्रांसफर्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले वाला ऑप्शन है मैनेज बेनिफिशियरीज, यहाँ से आप अपना बेनिफिशियरी जोड़ भी सकते हैं और पहले से जो जोड़ा हुआ है उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा वाला ऑप्शन है ट्रांसफर बिटवीन ऑन अकाउंट, आप अपने ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज पाएंगे। जैसे कि एक कस्टमर आईडी पर सेविंग्स और करेंट अकाउंट हुआ, तो अगर आप अपने करेंट अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में करना चाहते हैं बंधन बैंक से बंधन बैंक में ही, तो यहां से आप कर पाएंगे, चाहे आपका करेंट से सेविंग में भेजना हो या फिर सेविंग से करेंट में भेजना हो। उसके अलावा ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी विद इन बैंक, अगर आपको किसी दूसरे के बंधन बैंक के अकाउंट में भेजना है तो इस ऑप्शन से आप आसानी से भेज पाएंगे ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी विद इन बैंक। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी डिफरेंट बैंक, अगर आपको बंधन बैंक छोड़ करके कोई भी कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI, HDFC, ICICI हो गया या फिर पेमेंट्स बैंक जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, वहां पर भी आप इस ऑप्शन से भेज पाएंगे लेकिन उससे पहले आपको बेनिफिशियरी जोड़ना अनिवार्य है। तो चलिए मैनेज बेनिफिशियरीज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप अपना नया बेनिफिशियरी जोड़ पाएंगे बंधन बैंक के लिए और या फिर अगर आपको दूसरा बैंक जोड़ना है जैसे कि पेटीएम SBI वगैरह तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं दोनों के लिए जोड़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एड बेनिफिशियरी विद इन बैंक यानी बंधन बैंक वाले के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं बंधन बैंक अकाउंट नंबर डालूंगा, IFSC डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मांग भी नहीं रहा है और नाम तो ये खुद बता देगा। तो चलिए सारा डिटेल मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम आपको डालना अनिवार्य है जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम है उसके बैंक अकाउंट में बंधन बैंक के, और निकनेम आप अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। निकनेम आपको समझने के लिए होता है कि आप उसे किस नाम से पुकारते हैं, तो वो वाला नाम यहाँ पर डाल देंगे। फंड ट्रांसफर लिमिट आपको सेट करना है, मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 लाख सेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो 1 रुपया भी भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये टोटल डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बेनिफिशियरी का नाम डाल दिया है जैसे कि बैंक में है, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना निकनेम डाल दिया है अपने अनुसार। फंड ट्रांसफर का लिमिट मैंने 10 लाख डाल दिया है, आपकी मर्जी, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं लेकिन आप 5 लाख से ज्यादा ही रखिए तो बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर और दोबारा से अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये बता रहा है बैंक में इस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस अकाउंट होल्डर का नाम बैंक में यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर मैंने डाला था, उसके बाद मैंने ये निकनेम डाला था और मैंने अकाउंट नंबर ये डाला था, यानी कि मेरा अकाउंट नंबर मैंने जो डाला है वो सही है, तभी तो यहाँ पर सही नाम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें गलत अकाउंट नंबर डालने की कोई गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि आप गलत डालेंगे तो गलत आदमी का नाम यहाँ पर शो कर देता है, इसलिए आप सही डाले हैं तो सही नाम शो कर रहा है। उसके बाद आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन डालना है इस बेनिफिशियरी को एड करने के लिए। ट्रांजेक्शन पिन मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करते समय ही बनाया जाता है 6 अंकों का, वो वाला मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया है ट्रांजेक्शन पिन, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये जो मेरा बेनिफिशियरी है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं ये मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है, जो कि कम से कम आधा घंटा लगेगा इसे एक्टिवेट होने में, मैं तुरंत इसमें पैसे नहीं भेज सकता। तो चलिए मैं आधा घंटा के बाद इसमें पैसे भी भेज करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं एक दूसरा बेनिफिशियरी ऐड कर लेता हूं, दूसरे बैंक का, बंधन बैंक ऐड नहीं करूंगा। तो चलिए होम पेज पर फिर से चलता हूं, फिर से ट्रांसफर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं और फिर से मैं मैनेज बेनिफिशियरीज के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से मैं ऐड बेनिफिशियरी डिफरेंट बैंक के ऊपर यहां पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर मैं किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर IFSC डालूंगा यानी कि बंधन बैंक को छोड़कर। तो चलिए डाल देता हूँ एक दूसरे बैंक, कोटक बैंक का।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बेनिफिशियरी का नाम डाल दिया है, जैसे कि बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। उसके बाद मैंने निकनेम अपने अनुसार डाला है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टार मार्क यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर फंड ट्रांसफर जो लिमिट है वो मैंने 10 लाख रुपया डाल दिया है। आप भी डालेंगे 10 लाख तो बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया है, दोबारा से अकाउंट नंबर डाल दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है, ताकि पैसा गलत अकाउंट में ना जाए। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अभी IFSC कोड डालना बाकी है। IFSC डालने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपके बेनिफिशियरी का IFSC पता है आपको, तो ऊपर वाला ऑप्शन IFSC कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। या फिर अगर आपको बेनिफिशियरी का IFSC नहीं पता है, तो यहाँ पर क्लिक करके सिटी वगैरह चुन करके आप अपना निकालेंगे। लेकिन मुझे IFSC पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर IFSC कोड ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना बेनिफिशियरी का IFSC कोड यहाँ पर डालूंगा। यहाँ पर मैंने बेनिफिशियरी का IFSC डाल दिया है। सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके बैंक का डिटेल आ जाता है, जैसे कि अभी आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है मेरा। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ और मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लास्ट बार अपना अकाउंट नंबर IFSC मिला सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखा रहा है, IFSC दिखा रहा है, बैंक का नाम दिखा रहा है, ब्रांच दिखा रहा है। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करिए। तो मेरा ठीक है, मैं डाल के सबमिट करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना ट्रांजेक्शन पिन डाल दिया है, सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जो मेरा बेनिफिशियरी है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसे फंड ट्रांसफर भी कर पाऊंगा। मैं इस दूसरे वाले बेनिफिशियरी को IMPS, NEFT और RTGS भी कर पाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो दोस्तों मेरा बेनिफिशियरी जोड़े हुए आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है, और अभी 5 मिनट पहले SMS आया हुआ है, देख सकते हैं बंधन बैंक की ओर से, कि ये मेरा जो बेनिफिशियरी है वो एक्टिवेट हो चुका है। देख सकते हैं अभी 7 मिनट हो गया। तो अब चलिए मैं आपको फंड ट्रांसफर करके दिखा देता हूं। यहां पर मैंने अभी लॉगिन किया है। सबसे पहले मैं बंधन बैंक के इस अकाउंट से दूसरे बंधन बैंक के बेनिफिशियरी को पैसे भेजूंगा, और उसके बाद ही मैं दूसरे बेनिफिशियरी को पैसा भेजूंगा। तो चलिए भेजने के लिए ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको मैनेज बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी विद इन बैंक, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो हमारा अभी मैंने बेनिफिशियरी जोड़ा है तो वो वाला अकाउंट यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि फ्रॉम अकाउंट तो ये मेरा अकाउंट शो करेगा, इसमें कितना बैलेंस है वो शो कर रहा है। उसके बाद आप बेनिफिशियरी देख सकते हैं, अभी मैंने जो जोड़ा है वो ये वाला था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप जितना चाहे बेनिफिशियरी जोड़ेंगे वो टोटल यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक बेनिफिशियरी जोड़ करके दिखाया है, और ऊपर वाला बेनिफिशियरी मैंने पहले से जोड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। पेमेंट टाइप पूछ रहा है, क्या करेंगे, वन टाइम या फिर रिपीटेटिव। मैं वन टाइप कर देता हूँ, मैं एक बार ही इसमें पैसे भेजूंगा। और डेट दिखाने लग गया है, अमाउंट आपको कितना भेजना है। तो चलिए मैं यहाँ पर 500 रुपया भेज देता हूँ। 500 रुपया मैं इस बेनिफिशियरी को भेज दूंगा। नैरेटिव यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, कमेंट करना है कि आप किस लिए पैसे भेज रहे हैं। तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डेमो, क्योंकि मैं आपको डेमो के तौर पर ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, और एक बार कंफर्म करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ ठीक है, ट्रांजेक्शन पिन डालूंगा और सबमिट करूंगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया, सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर दे दिया है इसने। आप इस ट्रांजेक्शन को फेवरेट में अगर बनाना चाहते हैं तो इस बॉक्स में टिक करेंगे तो आपका फेवरेट हो जाएगा। और ये जैसे कि देख सकते हैं फेवरेट ट्रांजेक्शन में जोड़ दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो आप दूसरे मोबाइल से इसका फोटो ले सकते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये लेने नहीं देगा। और चलते हैं होम पेज पर। उसके बाद मैं अब दूसरे बैंक में भेज करके दिखाता हूँ, जो कि कोटक में जोड़ा था मैंने। तो ट्रांसफर के ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी डिफरेंट बैंक, ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रॉम अकाउंट, अपना अकाउंट चुन लूंगा यहाँ पर। और बेनिफिशियरी कौन सा चुनना है आपको लेना है, यहाँ पर 4 अकाउंट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले से 3 अकाउंट जोड़ के रखे हुए थे, और आपको अभी मैंने एक ये वाला कोटक वाला जोड़ करके दिखाया है। तो कोटक वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है, IMPS करेंगे, NEFT और RTGS क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको IMPS ही करके दिखाता हूँ। IMPS में होता है कि आपका जो पैसा है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में तुरंत चला जाता है 1-2 सेकेंड के अंदर। और अमाउंट यहाँ पर मैं 500 ही डाल देता हूँ। और यहाँ पर नैरेटिव आपको डालना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टार मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ डेमो। आप जिस काम के लिए अपना पैसा भेजेंगे उसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देंगे। मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एक बार दिखा रहा है कंफर्म करने के लिए, नीचे जाएंगे, यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे। ट्रांजेक्शन पिन डाल दिया है, सबमिट कर देता हूँ, और मेरा 500 रुपया कट जाएगा। ये देख सकते हैं ये IMPS का रेफरेंस नंबर है, आप इसको नोट करके रख लेंगे। अगर बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं पहुंचेगा तो आप इसे ट्रैक भी कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रांजेक्शन फेल की संभावना है वो 100 में से 1% का ही होता है। और दोस्तों अभी देख सकते हैं मेरा जो कोटक का अकाउंट है वो यहाँ पर
आपका जो बेनिफिशियरी आप देख सकते हैं ये अभी तुरंत ही पैसा आ चुका है, मैंने यहाँ पर भेज दिया। तो यूटीआर भी सेम होता है दोनों में। तो ये हो गया आईएमपीएस। अब मैं आपको एनईएफटी करके दिखाता हूँ और ये अभी आ चुका है 500 रुपया कटने का। अब मैं फिर से ट्रांसफर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एनईएफटी तो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं लेकिन ये भी बहुत ही बढ़िया पेमेंट मेथड है। एनईएफटी को बहुत सारे लोग नेफ्ट भी कहते हैं और ये मिनिमम आधा घंटा में पैसा चला जाता है बेनिफिशियरी को, मैक्सिमम 2 से 3 घंटा भी लग सकता है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से मैं ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी डिफरेंट बैंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम अकाउंट अपना अकाउंट चुन लूंगा, बेनिफिशियरी का कोटक वाला चुन लूंगा, ट्रांजेक्शन टाइप अब मैं यहाँ पर एनईएफटी चुन लेता हूँ। एनईएफटी में भी मैं मिनिमम 1 रुपया और भेज सकता हूँ, यहाँ पर 1 टाइम मैं चुन लेता हूँ और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक, 1.5 लाख 1.25 लाख डाल सकते हैं, 2 लाख से कम ही डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 500 रुपया। यहाँ पर भी नैरेटिव आपको लिखना होगा, मैंने लिख दिया है, सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये आपको एक बार कंफर्म करने के लिए दिखा रहा है, यहाँ पर नीचे जाएंगे देख सकते हैं चार्जेस ये नहीं ले रहा है। ट्रांजेक्शन पिन डाल देता हूँ, ट्रांजेक्शन पिन मैंने डाल दिया है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये रोक दिया, बोल रहा है कि आप डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 3 मिनट के बाद ही आपको करना होगा। तो चलिए 3 मिनट रुक जाते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 3 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। अब मैंने 501 रुपया डाल दिया है ताकि डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन इसे ना लगे और 3 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो फिर से मैं यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पिन डाल देता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा और अब मेरा ट्रांजेक्शन है ये फेल नहीं करेगा। देख सकते हैं अब ये ट्रांजेक्शन फेल नहीं किया, सक्सेस कर दिया इसने। और ये रेफरेंस नंबर जो है वो आपको नोट करके रख लेना है और मिनिमम आधा घंटा मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में बेनिफिशियरी के अकाउंट में 501 रुपया जाएगा। ठीक है, आप इसका पासबुक प्रिंट करेंगे तो वहां पर भी आपको ये शो करेगा। अब बारी है आरटीजीएस यानी 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने की। तो चलिए अब वो देख लेते हैं। फिलहाल मैं होम पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। आरटीजीएस यानी 2 लाख रुपया मैं भेज करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिर से मैं ट्रांसफर्स के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर से मैं ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी डिफरेंट बैंक के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं उसी बेनिफिशियरी को भेजूंगा दोस्तों जो कि अभी मैंने आईएमपीएस किया है। और मुझे इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पहले से आईएमपीएस किया है और बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा चुका है, यानी कि मेरा अकाउंट नंबर भी गलत नहीं है। तो इसमें अब आरटीजीएस करने से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ आरटीजीएस करना है तो पहले आप अपना बेनिफिशियरी जोड़ने के बाद आईएमपीएस कर लीजिएगा। अगर बेनिफिशियरी के अकाउंट में तुरंत पहुंचता है तो आप आरटीजीएस 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना करना है आरटीजीएस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आईएमपीएस एनईएफटी आपको दिखा दिया है, आरटीजीएस वाले के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आरटीजीएस के लिए कि कम से कम 2 लाख रुपये होना चाहिए, यानी कि 2 पर 5 ठो 0। 2 लाख रुपया मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट कितना भी डाल सकते हैं, जैसे कि 2 लाख 1 हज़ार, 2 लाख 5 हज़ार, 5 लाख 10 लाख जितना डालना है डाल सकते हैं, 10 लाख से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी इसके मोबाइल बैंकिंग का जो लिमिट है वो 10 लाख तक का ही है। और यहाँ पर मैं नैरेटिव में डाल देता हूँ ट्रांसफर ऑनलाइन। ठीक है, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म करने के लिए एक बार आएगा, आपको अच्छे से देख लेना है 2 लाख रुपए भेजना है कि उससे ज्यादा भेजना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेक्रेट क्वेश्चन का जो होगा वो आपको आंसर देना होगा, क्योंकि ये 2 लाख या उससे ज्यादा का है तो सिक्योरिटी का बात है। तो यहाँ पर सेक्रेट क्वेश्चन आ चुका है, हैव यू मेनी लैंग्वेज, कैन यू स्पीक, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है आपने क्या डाला था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही दिया होगा जब आप मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर कर रहे होंगे, तो आपको नोट करके रखना होता है, तो वहां से आपको देखना होगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप इसे रीसेट करेंगे तभी होगा। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं इसका आंसर डाल देता हूं, मुझे याद है, आंसर मैंने डाल दिया है। अब ट्रांजेक्शन पिन डालूंगा और सबमिट करूंगा तो मेरा जो 2 लाख रुपया है वो कट के कोटक महिंद्रा बैंक में चला जाएगा। तो चलिए सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं और ये देख सकते हैं मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो आरटीजीएस ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है, यानी मेरा 2 लाख रुपया कट चुका है मेरे सेविंग्स अकाउंट से बंधन बैंक के, और तुरंत ही पैसा रिसीव भी हो जाएगा 5 मिनट के अंदर कोटक बैंक को। ये देख सकते हैं अभी ये 501 रुपए का ही भेजने का SMS आ रहा है। तो चलिए इसे आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, चाहे तो फेवरेट भी लगा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और ये फेवरेट हो चुका है। होम के ऊपर चलते हैं, मैं आपको अपना स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पैसा कट चुका होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार क्लिक करूंगा और लास्ट 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पैसा कट चुका है, 2 लाख रुपया कोटक महिंद्रा बैंक को जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर 501 रुपया मैंने भेजा जो कि एनईएफटी का पेमेंट था, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आईएमपीएस तो ये दिखा रहा है। ठीक है, और आईएमपीएस से पहले मैंने बंधन बैंक को ही भेजा था 500 रुपया बंधन बैंक के अकाउंट होल्डर को, तो ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखाता है मेरा पैसा कट चुका है। अब बेनिफिशियरी के अकाउंट में दिखाता हूँ जब रिसीव होगा तो कैसे आता है, कैसे शो करेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये बेनिफिशियरी का यानी कोटक बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आप देखिए अभी ये स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ये आईएमपीएस वाला पैसा आया है जब मैंने 500 रुपया भेजा, और एनईएफटी वाला पैसा अभी नहीं आया है, तो अभी आ जाएगा। वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़ा लेट लेता है, मिनिमम आधा घंटा, तो ये
वो भी आ जाएगा। और यहाँ पर अभी आ चुका है, जस्ट आया है RTGS, देख सकते हैं BDBL जो कि इसमें जो ट्रांजेक्शन नंबर था वही वाला यहाँ पर भी है, सेम है। दोनों में ट्रांजेक्शन नंबर सेम होता है, चाहे वो IMPS का हो, NEFT का हो या फिर RTGS का हो। तो यहाँ पर 2 लाख रुपया आ चुका है और ये बंधन बैंक एक भी रुपया चार्ज नहीं काटा है RTGS का, लेकिन PNB वाला काटता है 28 रुपये कुछ पैसे। तो ये आ चुका है, इसका स्टेटमेंट में शो करने लग गया है, लेकिन इसका अभी SMS नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। UPI में भी शो कर रहा है और मोबाइल बैंकिंग में भी शो करने लग गया है। तो दोस्तों देखा आपने बंधन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से कैसे RTGS किया जाता है, जो कि काफी सिक्योर है, काफी अच्छा काम भी कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने 4 ट्रांसफर आपको करके दिखा है, एक तो विद इन बैंक यानी बंधन बैंक में IMPS, NEFT और RTGS कुल मिलाकर के 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पर मैंने कर दिए हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।